गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 विद वर्कशीट नंबर 5 एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड वन। पेज नंबर 61 सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड। ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ये सेकंड, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, तो 4 माइनस 9। क्लियर? अब देखो बेटा, 4 पॉजिटिव हो गया, 9 नेगेटिव हो गया। जब ऑपोजिट साइन हो तो नंबर्स क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट, और बड़ी टर्म के साथ का साइन। तो 4 माइनस 9 9 में 4 गए 5। बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस आ गया। क्लियर? इस तरीके से करने आपने। जैसे अगला क्वेश्चन है -9, 4, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 4। तो 4 माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करना? -9। 4 और -9 क्या हो जाता है बेटा? प्लस। -9 क्या हो जाता है? प्लस। और 4 प्लस 9 30। इस तरीके से करना है। जैसे हम एक जी कर लेते हैं, जी पर सारे क्वेश्चन कैसे हैं बेटा? 458 को सब्ट्रैक्ट करना है -263 से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो -263 -458। अब दोनों टर्म क्या है? माइनस साइन है। जब सेम साइन हो तो क्या हो जाता है बेटे? ऐड हो जाता है। तो 263 में आपने 458 क्या करना है? ऐड करना है। 8 और 3 11 6 5 11 और 1 12 और 4 2 6 और 1 7 7 20 और साथ में क्या साइन रहेगा? माइनस। इस तरीके से आपने सारे पार्ट्स कर लिए बेटे इसके। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3 एंड 3 फ्रॉम -6, और फिर हमने चेक करना कि रिजल्ट सेम है कि नहीं है। पहले हमने -6 और 3 में सब्ट्रैक्ट करना, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 में से माइनस करना है -6 को, तो क्या आ गया? 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9। अब सेकंड केस क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6, -6 में से सब्ट्रैक्ट करना 3 को। अब बेटे ये दोनों साइन माइनस के हैं, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा, और साइन वही रहेगा जो दोनों साथ क्या है? माइनस है, तो माइनस रहेगा। 6 और 3 -9, तो एक 9 आ रहा आंसर, एक हमारा माइनस है और 9 आ रहा। क्या रिजल्ट सेम है? नो, द रिजल्ट्स आर नॉट सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द टू इंटीजर इज 48 इफ वन ऑफ देम इज -25 फाइंड द अदर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सम ऑफ टू इंटीजर 48। दो इंटीजर का सम बेटा 48 है और उनमें से एक इंटीजर -25 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? इसको एक छोटे एग्जांपल समझते हैं। सीधी सी बात, सम लो, हमारे पास दो इंटीजर का सम 8 है। ठीक है, दो इंटीजर का सम क्या है? 8 है। अगर एक इंटीजर उनमें से 3 है तो दूसरा क्या होगा? सोचो, अगर हमारे पास दो इंटीजर का सम 8 है, उनमें से एक इंटीजर 3 है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? 8 माइनस 3 5, ये होगा ना। तभी तो आएगा 3 प्लस 5, तभी तो क्या आएगा? 8 आएगा। 3 प्लस 5 क्या होगा? 8। तो वही बोले, अगर दो इंटीजर का सम बेटा 8 है, उनमें से एक इंटीजर 3 है, तो दूसरा इंटीजर पता क्या आएगा? आप दो इंटीजर के सम में से फर्स्ट इंटीजर को क्या कर दो? माइनस। 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5। तभी तो दोनों का सम क्या आएगा? 8 आएगा। आ रही बात समझ? दोबारा सुन लो, जैसा हमने बोला दो इंटीजर का सम 10 है, दो इंटीजर का सम 10 है, उनमें से एक इंटीजर मान लो 7 है, एक इंटीजर क्या है? 7। तो दूसरा क्या होगा? 10 माइनस 7 3। 10 में से 7 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या आएगा? थी। अब देखो 7 प्लस 3 क्या होगा? इन दो इंटीजर का सम क्या होगा? 7 और 3 10। तो ऐसे ही बेटा यहां पर है, अगर दो इंटीजर का सम 48 है, उनमें से एक इंटीजर -25, तो अदर इंटीजर क्या होगा? दिस माइनस दिस। 48 में से ये क्या कर दो? माइनस कर दो।
तो अदर इंटीजर क्या होगा 48 माइनस, और एक माइनस 25 है बेटा, माइनस 25, तो 48 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25, 8 5 13 अदर इंटीजर आ जाएगा बेटा 73। क्लियर? अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उसको, देखो आपने चेक करना, एक इंटीजर क्या हमारा माइनस 25 और दूसरा इंटीजर क्या है हमारा 73 प्लस 73, तो इन दोनों का सम देखो क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 5 8 6 माइनस 2 4, देखो 40, इन दोनों इंटीजर का सम 48 आ गया कि नहीं आया, तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड माइनस 49 फ्रॉम माइनस 100। तो पहले बेटा हम इन दोनों का क्या निकाल लो, सम निकाल, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा बेटा 38 प्लस माइनस 49, दोनों का क्या निकालेंगे हम, सम निकालेंगे 38। अब बेटा एक डिजिट क्या है देखो, ये सीधे कर लो, 38 प्लस का है और 49 क्या है माइनस का, जब ऑपोजिट साइन हो तो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, 49 में से 38 माइनस कर दो, 9 माइनस 8 1 4 माइनस 3 1 1, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, हमने इन दोनों के सम में से दोनों का सम लिया था हमने, लेकिन ये बेटा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जब ऑपोजिट साइन हो तो इंटीजर क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, और बड़ी टर्म के साथ का साइन। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने कहा सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना किस में से, माइनस 100 में से, तो माइनस 100 में से माइनस करना है इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर का सम क्या है माइनस 11 माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 100 माइनस माइनस प्लस, अगेन आप चेक कर सकते हैं दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 माइनस 11, 100 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो 89, इधर 89, और बड़ी टर्म के साथ तो कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर में क्या आएगा माइनस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये दो चीजें हमें दी हुई है, वी हैव टू कंपेयर दिस, कंपेयर मीन्स हमें बताना कि ये इससे ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, कंपेयर करने का मतलब है हमें बताना कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है कि इक्वल है, तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, ये ब्लैंक ऐसे रख देते हैं हम यहां पे, नाउ माइनस 25 प्लस माइनस माइनस, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज प्लस दिस इज माइनस, बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन सो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1, माइनस 10, दिस इज माइनस 10, बड़ी टर्म के साथ का साइन आएगा ना 25 में से 15 के। ठीक है, नाउ हियर बोथ आर ऑफ सेम साइन सो दे विल बी एडेड, सेम साइन दे विल बी एडेड, सो दिस विल बिकम माइनस 40। अब देखो बेटा इसमें कौन बड़ा है, हमने बताया था आपको बेटा कि जो नेगेटिव नंबर में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है वो नंबर हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है, तो दिस विल बी ग्रेटर, दिस विल बी ग्रेटर, तो इसी तरह से आपने बेटा सेकंड पार्ट करना, सेम पार्ट है सेम, तो इसी तरीके से आपने सॉल्व करना बाकी क्वेश्चन बेटा। अब हम जो है इसके बेटा एट्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका सेवंथ का भी आप खुद कर लेना, बिल्कुल वैसे ही करना कंपेयर, तो ये एट्थ का ये भी बेटा इसको सिंप्लीफाई करना हमने, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस 90, अब एक प्लस है एक माइनस, ऑपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, 90 माइनस 3 60, तो ऐसे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बेटे ऐसे ही हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं एफ कर देता हूं, 71 माइनस 83 माइनस 42 प्लस 15, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 71 माइनस 83 माइनस माइनस प्लस 50, अब आपने क्या करना बेटा इसमें जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको अलग ऐड कर लो और माइनस वाले को अलग, प्लस वाली एक बेटा ये है एक ये है एक ये, साइन हमेशा लेफ्ट में होता है ध्यान रखना, राइट में नहीं होता, 42 का साइन प्लस है, 15 का प्लस है, 83 का माइनस है,
सेवेंटी वन का जिसमें कोई साइन नहीं वो प्लस का ही होता है, तो ये तीन टर्म प्लस के इनको लग ऐड करो, 71, 42 एंड 50, 5 2 7 1 8, 1 और 4 5 और 7 12, 128 हो गया बेटा आपका प्लस का और माइनस का 83, तो 128 में से आप 83 को क्या कर लो माइनस कर, 8 - 3 5 4 12 - 8 4, तो 44। तो बेटा इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो इसके साथ बेटा ये जो वर्कशीट है आपकी फिनिश होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।